सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तौसीफ और आप देख रहे हैं एमटी इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास गाड़ी है वो है 407। और इस गाड़ी में क्या दिक्कत है जो हमारे मैकेनिक भाई को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो हम उसी फॉल्ट पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसमें एक ट्रिक भी हम बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है हमारा गाड़ी में। तो जैसे ही हम स्टार्ट किए तो चेक लैंप और MIL लैंप कंटिन्यूस ब्लिंक है और गाड़ी RPM ले रही है, लेकिन जब गाड़ी हम रोड पे चला रहे हैं तो गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। तो ये दिक्कत आ रही है गाड़ी में कि जब रोड पर चला रहे हैं पिकअप नहीं ले रही है और ये चेक लैंप कंटिन्यूस ब्लिंक है। और हम अब डायग्नोस करेंगे और देखेंगे इसमें फॉल्ट कोड क्या है। तो चलिए, जैसा कि देख पा रहे फ्रेंड्स कि ये हमारा फॉल्ट कोड है मिनिमम डिलीवरी इंजेक्टर पल्स का नॉट अपडेट फॉल्ट का कन्फर्म में तीनों फॉल्ट है। इसमें एक चीज़ सेम है कि तीनों फॉल्ट सेम ही है, सिर्फ F0, F1, F2 का डिफरेंस है। तो तीनों फॉल्ट फ्रेंड्स सेम ही है। तो हम इसके करेक्टिव एक्शन पर जाकर देखेंगे कि आखिर इस फॉल्ट में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए करेक्टिव एक्शन में जाते हैं और थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तो देख पा रहे फ्रेंड्स कि जो हमारा केसेस है वो उसमें है ECU इंटरनल ख़राब हो सकता है, ECU फॉल्टी हो सकता है, ECU इंटरनल इंजेक्टर भी ख़राब हो सकता है आपका, ठीक है। अब इसे ये चीज़ को यूज करने के लिए, इस फॉल्ट को हटाने के लिए हम बहुत सारे तरीके को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए SPC टेस्ट करने से भी ये फॉल्ट जा सकता है, लेकिन हमको पता है कि जब हम SPCS टेस्ट जब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा टेस्ट जल्दी नहीं लेती है गाड़ी, इसलिए कि वो टेस्ट का करने का मतलब है कि जब तक हमारा डिस्प्ले पे कोई भी फॉल्ट जनरेट होगा वो टेस्ट नहीं लेगा। तो देख पा रहे फ्रेंड्स कि नो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रजिस्टर्ड, सबसे नीचे में आप देख पा रहे होंगे, और SPCS टेस्ट है ये हमारा। जैसे ही हम टेस्ट को करते हैं तो टेस्ट हमारा नहीं ले रहा है। तो चलिए अब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि क्या बोल रहा है। जैसे ही हमने स्टार्ट किया फ्रेंड्स, सर्विस नॉट सपोर्टेड इन एक्शन सेशन। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ बोल रहा है ECU रिफ्लैश करने के लिए, तभी ECU रिफ्लैशिंग करने के बाद ही हमारा ये SPCS टेस्ट होगा। लेकिन हमने बहुत बार कोशिश भी किया है और सब गाड़ियों में, तो SPCS टेस्ट रिफ्लैशिंग करने के बाद भी नहीं होता कभी कभी। तो चलिए हम उसी ट्रिक पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास सबसे बेहतरीन ट्रिक है और जो हमने बहुत ही मेहनत से खोजा है इसे। तो चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इंजेक्टर कोडिंग है यहाँ पे, तो इंजेक्टर कोडिंग में ही आपको बदलाव करना है। आपको क्या करना है कि जो हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर का कोड है, तो 3 नंबर वाले इंजेक्टर के कोड को आपको 1 नंबर वाले इंजेक्टर कोड में डालना है और 1 नंबर वाले इंजेक्टर कोड को 3 नंबर में डालना है, या फिर आप 2 नंबर वाले कोड को 4 नंबर में डाल सकते हैं, 4 नंबर वाले कोड को 2 नंबर में डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम 1 को 3 में डालने वाले हैं, तो हम 1 नंबर का और 3 नंबर का ये दोनों को हम मिटा दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। और हम इस दोनों को इस जगह पे हमने यहाँ पे लिख करके रखा है पहले से। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे TDS टूल पे मिनिमाइज करके। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो 1 नंबर में था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब जब ये 3 नंबर वाले को हम 1 नंबर में डालने वाले हैं, और दोस्तों अगर आप 1 नंबर को 2 नंबर में डालेंगे तो फिर आपकी दिक्कत दूर नहीं होगी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अब हम 1 नंबर वाले को 3 नंबर वाले को 1 नंबर में डालने वाले हैं, तो अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। देख पा रहे फ्रेंड्स कि हमने पेस्ट किया लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, तो हम इसको बैक करेंगे और जो उसके W2 के बाद जो भी अंक है उसको हम वहाँ से देख करके इसमें लिख लेंगे। तो W2 के पास कौन सा अंक है वो भी हम देख लेते हैं, DF1 है, DF1 को हम उसमें लिख देते हैं। DF1 को टाइप करने के बाद हम इसमें राइट डाटा पे क्लिक करेंगे, तो चलिए DF1 लिख देते हैं।
फ्रेंड्स, हमारा काम हो चुका है, अब हम राइट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट डाटा पे क्लिक करेंगे, देख पा रहे हमारा ओके ओके ये है। अगर कहीं कुछ दिक्कत होती तो क्या होता, यहाँ पर यहाँ दिखाता एक नंबर इंजेक्टर नॉट कोडेड या फिर नॉट प्रोग्राम ऐसे लिख करके आता। अभी देख पा रहे हैं ETV का फॉल्ट कोड आ रहा, तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन हमारा फॉल्ट कोड था वो जा चुका है। ETV का फॉल्ट कोड आया हुआ है तो ये अलग बात है, ये हम देखेंगे क्यों आया है। अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है और MIL की बत्ती जल रही है, अभी तक हमने रीसेट नहीं मारा फॉल्ट कोड। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि पहले चेक जल रही थी, अब MIL जल रही है, ये न्यू फॉल्ट है ETV स्टक पोजीशन का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम रीसेट मारने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम थोड़ी देर रेस करके रखते हैं और देख पा रहे हैं कि अभी इंजेक्टर वाली कोड हमारी जा चुकी है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारा इंजेक्टर का फॉल्ट जा चुका है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी बत्ती भी जा चुकी है, जब हमने बहुत ज़्यादा रेस किया। जिस तरह से EGR का फॉल्ट कभी कभी आ जाता है, उसी तरह से ATV का BS6 में कभी कभी फॉल्ट आ जाती है। जो फॉल्ट तो एक्टिव रहती है लेकिन डिस्प्ले पे बत्ती नहीं जलती उसके वजह से। तो फिर भी हम यहाँ पर रीसेट कर दे रहे हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर वो फॉल्ट, ये तरीका आप भी अपनाइए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। वीडियो पसंद आया चैनल